हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मलिक फैमिली व्लॉग में। और आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है रात को 10 बजे। और 10 बजे क्या कर रहे हैं हम लोग? और बहुत दिन के बाद बात हो रही है। चाय है ना? चाय। और वो बैठी है उधर, वो ब्रेड भी खा रही है साथ में। वाह। और मुझे जबरदस्ती चाय पिलाई जा रही है। ये अत्याचार तुम्हारे पास होता रहेगा, तुम्हारे ऊपर होता रहेगा। पता, मैं दोनों के दोनों जीजा साली मेरे चिपट गए। तुम चाय पियोगी तो हम, यार मुझे नहीं पीनी रात को चाय। बिल्कुल नहीं, हम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम सब लोग चाय पिए। हम चाहते हैं कि तुम्हारा वेट लॉस ना हो। नहीं तो हमारा वेट क्यों नहीं बढ़ रहा भाई? अरे यार मैं ऐसी हूँ ना कि मुझे तो क्या बोलूँ, हवा भी लगती है। अच्छी जबरदस्ती है ये तो है। ठीक है, तभी तो होती है चाय पे चर्चा। और गुड न्यूज ये है कि निशु अपने घर में शिफ्ट हो चुकी है, हमारा घर छोड़ चुकी है। हमारा घर छोड़ चुकी है फाइनली। भगवान, ओ भाई ऐसा लग रहा है घर खुला खुला सा ऐसा महसूस। हालांकि जब सामान रखा था, जब मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत सामान है, लेकिन जब निशु ने ले जाना शुरू करा चुटर मुटर, आज तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कितने बड़े विला में रहती हूँ। हालांकि मैं रहती हूँ BHK में ही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कितना खुला सा। कौन आया था दिन में आज, कौन कह रहा था? आंटी। हाँ, जो मेरी मेड है वो भी कह रही बड़ा सा लग रहा है आज घर में। हाँ, पोछा ज्यादा मैं लगाना पड़ेगा आज तुझे। पैसे बढ़ाने वाली होंगी। अब तो जैसे जैसे होता है ना, सुनो, जैसे कार पूरी सामान से भरी हुई है और जब उसमें सामान निकलता है तो बेचारी हल्की हो जाती है। वो सिस्टम हो गया हमारा। क्या हुआ, जैसे उस उधर की तरफ इनके वो रखे थे, लगेज रखे हुए थे। हाँ। और उसमें फ्रिज रखा हुआ था, मट्टों का बहुत सारा सामान रखा हुआ था, तो बेसिकली उस रूम में पोछा लगाने के लिए स्पेस नहीं था वो इनके। अब वो स्पेस मिल गया उसे वापस से। ईशांत की साइकिल हट गई, ईशांत की साइकिल भी हमने नीचे शिफ्ट कर दी। हाँ। तो उसे भी यूं दिख रहा, अच्छा पोछा लगाना पड़ेगा। इसलिए स्पेस बढ़ गया है। खैरी बड़ा सा लग रहा है आज तो घर में। कहा आंटी, मैंने पड़ोसियों की दीवार तोड़ के परोक सरका दिया मम्मी। और नीचे जो घर मिला है तो 2 BHK, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा स्पेस है जो कि बहुत ही बढ़िया है और उसको और अच्छे से यूटिलाइज भी किया है निशु ने। और पता है हम ये कम भूल गए थे, जब हमने घर लिया था तो हमें बेसिकली ग्राउंड फ्लोर का लेना था, तो उसमें क्या था कि दो तरफ आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिलता है। आप चाहो तो मतलब एक तो ऐसा है कि आप छोटा रूम बना सकते हो उसका, एक स्पेस इस तरह का। तो उस समय इनके पास नहीं थी वो जगह, या जैसे भी हमने कोशिश करी बट नहीं मिल पाया। तो फिर हमने कहा भैया फिर तो हमें सबसे ऊपर दे दे, या तो नीचे या तो ऊपर, क्योंकि बीच में ऊपर वाले की भी ठक ठक, नीचे की भी, वो मुझे नहीं चाहिए। तो हमने खैर ले लिया। अब जब निशु हर का जो घर है इनका, जो अब लिया है इन्होंने, उस पर हम गए भाई, उस घर को देख के मेरे ऐसी होल सी उठ रही है भाई, मुझे स्पेस मिल जाता। अब देखूंगी इसके लैंडलॉर्ड से, पूछूंगा कभी को बेचने बाजने का मूड हो भाई साहब, आपको तो मैं बता दियो जरा एक बार। हाँ, कुल मिला के स्पेस बहुत है, बहुत बढ़िया घर है। और बाकी का जो घर है क्या है कैसे है वो कल काजोल जाएंगी उधर, तो आप सब लोगों को दिखाएंगी, क्योंकि अब तो रात हो चुकी है और हमारी मट्टो सो गई है। आज गुल्लू का बर्थडे है आज। हाँ, आज निशु गई थी गाँव, निशु, यशांश, आदित्य और हमारी मट्टो, ये चारों लोग गाँव गए थे क्योंकि आज गुल्लू का बर्थडे था। और हम नहीं जा पाए, क्योंकि आज हमारे घर गेस्ट आए हुए थे। हाँ, तो इस वजह से हम लोग जा नहीं पाए। और बाकी ये था आज का दिन, कुछ नहीं करा। आज तुम मेरे लिए वो क्या लेके आए वो तो दिखा दो ना। हाँ, ये चीज है बेटा, उठाना। चाय पी नहीं आई थी यहाँ, चाय भी खोल रखी है मेरी लड़की का, मेरा मन ही ऊपर लगा, बस सामान रखने नीचे गए। ये देखो, ये खोल भाई, इसके अंदर बताओ खोल, मुझे तो पता ही क्या है, खोल दो इसको। ये वॉच, ये काजोल के लिए वॉच है जो कि मंगवाई गई थी। ये
मेरा ये घड़ी है जो कि काजोल को गिफ्ट में मिली है। किसने दी है? किसने दिए तो बता दो। किसने दिए? हाँ तुम बता दो किसने दिए। पति देव ने दिए, बता दो ना। करवा चौथ का है, क्या बात है इसमें? तो कैसी लगी घड़ी? वैसे तो अच्छी है, और क्योंकि करवा चौथ आ रहा था तो सोचा क्या गिफ्ट दूँ। हालांकि जो बर्थडे आया था लास्ट काजोल का, उसमें मैंने घड़ी गिफ्ट करी थी, और ये सेकंड घड़ी है जो मैंने गिफ्ट करी है। काजोल ने मुझे एक भी घड़ी गिफ्ट नहीं करी अभी तक। और ये घड़ी मुझे किस पर्पज से आपने गिफ्ट किया? पर्पज कुछ नहीं है, बस ऐसी सुंदर लगी। बस सुंदर लगी, मतलब तुम इनडायरेक्ट वे में चाहते हो कि मैं तुम्हें घड़ी गिफ्ट कर दूं? नहीं, मैं नहीं कह रहा, नहीं कर दूं। समझदार के लिए ज्यादा काफी है। कर दूंगी मैं। पापा आज क्या तारीख है? तारीख हुआ 6 बेटा। इसमें जो आ रही है बिल्कुल सही है। इसमें तारीख 6 ही आ रही है। हां वो सब सेट कर दी गई है ना बेटा। आप चाय पी लो, आपकी चाय ठंडी है। अरे मेरी चाय तो ठंडी हो गई। चलो जी चाय पी लेते हैं, कल फिर मुलाकात करेंगे, और फिलहाल चाय पी के सोने की तैयारी करते हैं। बस अब आप सब भी उसमें जाके कमेंट बॉक्स में जाके जल्दी से हमें गिफ्ट दे दो। और गिफ्ट क्या देना? आप सबको गुल्लू को बर्थडे विश करना है, बस हैप्पी बर्थडे गुल्लू लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। और बाकी आपसे मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग में। मैं आपको निशु का घर दिखाऊंगी, और बीच में ब्लॉग्स नहीं आ पाए, कुछ चीज़ों में हम लोग बिजी थे, क्योंकि आज काफ़ी दिन के बाद ब्लॉग आ रहा है। पापा के शरारत का डाला था, उसके बाद फिर अभी डाला गया। और कल से वैसे मैं बहुत बिजी होने वाली हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पेंट का काम शुरू होने वाला है कल से, जो कि होना तो शरादों में था कि चलो, क्योंकि शरारत से पहले ही मैंने कुछ जगह करवा दिया था कि ताकि ये की शुरुआत हो गई है। बट ये है कि निशु वही कि भाई सारा स्पेस उस तरह से नहीं था, और छोटा बच्चा घर में था। बेसिकली मेन तो ये था कि छोटा बच्चा घर में है तो उसको वो चीज़ें ना चढ़े, क्योंकि केमिकल्स तो हैं ही जो भी है। तो कल से हम अपना पेंट का काम भी हमारा शुरू हो जाएगा, और हमारा घर सुंदर सुंदर हो जाएगा, दिवाली की सारी सफाई हो जाएगी। और कल मिलेंगे आपको एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, जय श्री राम।